करते रहें, लेकिन सोशल मीडिया पर भी अपलोड करते रहें बिना किसी बाधा के, बिना किसी परेशानी के और बिना नियमों को तोड़े ही। देखिए, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल पर हम पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं। आपको पता है हम बहुत ऐतिहासिक स्थल पर इस समय मौजूद हैं। रामपुर का किला ऐतिहासिक स्थल तो है ही है। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के बारे में कहा जाता है कि पहले ये यहाँ के रामपुर के नवाब का गेस्ट हाउस हुआ करता था, और ये भी बताया जाता है कि यहाँ पर कभी एक दौर था जो वायस राय या गवर्नर के लिए बनाया गया था, जिसमें वो रुकते थे, और असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी भी आकर यहीं रुके थे, जहाँ पे गांधी जी नवाब से मिले थे और वहीं से गांधी टोपी का जन्म हुआ था। तो हम बहुत ही ऐतिहासिक स्थल पर हैं। कल 5 सितंबर थी, जो कि शिक्षक दिवस के रूप में मनाई जाती है, और पूरा देश शिक्षक दिवस को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाता है। और अगर हम रामपुर की बात करें तो कल का दिन बहुत ही खुशी का था, क्योंकि नवाबी दौर के बंद पड़े खंडर स्कूल को कमिश्नर अंजनी कुमार सिंह की पहल की वजह से आखिर आलीशान स्कूल में तब्दील किया गया, जो कि शिक्षक दिवस के रूप में रामपुर के लिए एक अनोखा तोहफा है। और ये स्कूल अपने आप में अलग ही स्कूल है, क्योंकि नवाबी दौर में एकमात्र इंग्लिश मीडियम स्कूल हुआ करता था ये। उसके बाद नवाब ने इसको स्कूल में कन्वर्ट कर दिया था, आज़ादी के बाद से स्कूल में चल रहा था, और ये बताया जाता है कि ये एकमात्र इंग्लिश मीडियम का स्कूल था सिटी मॉन्टेसरी स्कूल इस पूरे इलाके में। कालांतर में ये इसको, चाहे जिस जो भी वजह रही हों, इसको यहाँ के स्कूल को बंद करके और इसको अलग तरीके से, एक तो खंडहर बना दिया गया और फिर अलग तरीके से इसको दुष्प्रयोग में लाने की कोशिश की गई, तो 2019 में हमने इसको फिर से रिवाइव किया। देखिए, मूल उद्देश्य ये है, शिक्षा को आप तब तक मजबूत नहीं कर सकते, कोई भी बिल्डिंग तब तक मजबूत नहीं होती जब तक उसकी नींव ना मजबूत हो। कोई अगर ये कहे कि नहीं, हम आपको बहुत बड़ी बिल्डिंग दे रहे हैं, बहुत बड़ा आपको सुविधा दे रहे हैं उच्च शिक्षा की, और इसलिए शिक्षा मजबूत हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। हमारे गरीब बच्चे, हमारे जो बच्चे अभी इन सब चीज़ों से, सुविधाओं से वंचित हैं, उनको अगर हम मजबूत कर सकें, ये जो बिल्डिंग है वो उसको मजबूत करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी प्राथमिक शिक्षा, और वो भी सरकारी स्कूल के प्राथमिक शिक्षा को मजबूत करने की है, क्योंकि वहाँ पे सबसे डिप्राइव्ड, सबसे गरीब तबका यहाँ आता है। सरकार उनको बहुत सारी सुविधाएं देती है, अगर उसको हम सही तरीके से बच्चों तक पहुँचा पाए, उनको सही ज्ञान दे पाए, हमारे पास इस समय शिक्षकों की संख्या भी काफ़ी अच्छी है, अगर उनको सही ढंग से ट्रेन कर पाए और इसकी पूरी प्लानिंग बनाई है, तो एक बड़ा हम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत मजबूत कदम रखेंगे। तो ये पहली बात ज़रूरी है। दूसरी बात, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये बुनियाद है, ये नींव है रामपुर की जनता की, और वहाँ की बुनियाद जहाँ पे गांधी जी रहे हैं वो इतनी मजबूत पड़नी चाहिए, यहाँ से ज्ञान का प्रकाश फैलना चाहिए। 5 जनपद रामपुर नवाबों का शहर। नवाबों के शहर में नवाबों ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई स्कूल कॉलेजेस बनवाए थे। किले के मैदान में बनी इस इमारत, जो नवाबी दौर में कभी स्कूल हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से इस स्कूल को राजनीति के चलते खंडर होना पड़ा। आज वही सिटी मॉन्टेसरी स्कूल को बदलकर मॉडर्न मॉन्टेसरी स्कूल किया गया, और कल शिक्षक दिवस पर एक भव्य कार्यक्रम भी किया गया, जिसके मुख्य अतिथि कमिश्नर मुरादाबाद अंजनी कुमार सिंह थे, जिन्होंने फीता काटकर स्कूल का शुभारंभ किया। ये 5 सितंबर के दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर और शिक्षक दिवस पर हम सिटी मॉन्टेसरी स्कूल को फिर से वापस एक स्कूल में कन्वर्ट कर रहे हैं, मॉडल स्कूल में कन्वर्ट कर रहे हैं, और इसके साथ ही इसको गांधी जी की यादगार में ऊपर यहाँ पर उनकी यादगार में म्यूज़ियम भी बना रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे बेहतर शिक्षा की दिशा में और कोई कार्य नहीं हो सकता। हम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शिक्षा में, शिक्षा देने वाले, शिक्षा लेने वाले, और फिर उसके बीच का माध्यम। ये पुरानी इमारत, ये बिल्डिंग जिसको हमने वापस रिवाइव किया, 2 बार करना पड़ा, 2 बार में इसको कंप्लीट किया है, ये इस बात की साक्षी रहेगी, और ये भविष्य बताएगा कि हमने जो मजबूती इनको दी है वो कितना उनके आगे काम आती है, और वो एक एक पायदान चढ़ते हुए हमारे बच्चे जब आगे बढ़ेंगे तो हमें खुशी होगी कि हमने ऐतिहासिकता को सुरक्षित रखा और साथ साथ भविष्य को भी। और ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि जो समाज इतिहास भुला देता है, चाहे जैसा भी उसका इतिहास हो, वो सीख नहीं पाता।